मेरा धास दिखाता है, बोलता पुलिस वाले मेरे से, मैं उन लोग से देखो अमीन पटेल, अमीन पटेल, अमीन पटेल, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा। उन लोग ने तोड़े आके मेरे लड़के का पूरा एकदम कछुंबर बना दिया। भाई मैं तुम्हारे तुम्हारे क्लेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू लेने मारू, बेटर है मैं मार है वो गाड़ी पे तो गुस्सा उतार, तुम्हारे तुम्हारे अल्फाज इनके मुंह में मत डालो। दोस्तों रमजान में लफड़ा नहीं हो ऐसा डोंगरी पायदुनी बाइकल्ला में नहीं होता है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ होता है। इसके पहले भी हमने एक आपको लफड़े बताए थे, अभी यहाँ पर डोंगरी पे डोंगरी बाजार में ये एक लफड़ा हुआ है, जो बाइक पे जो बाइक है ये देखिए, ये दुकान वाले हैं, ये दुकान वाले हैं मजीद मेमन जो कांग्रेस के हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, और उन्होंने आज ये एक वीडियो सामने आया है जो हथौड़े से ये बाइक को तोड़ा है उन्होंने। दोस्तों दो जन जो है जेजा हॉस्पिटल में गए हुए हैं और दोनों तरफ के लोग जो है हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन बाकी बात करते हैं, इशरत अली और तारिक अली जो है उनकी फैमिली से। जी क्या मसला है जी? जी ये जो मेरे नेबर हैं ना मजीद मेमन, वो मेरे बिल्कुल सामने ही रहते हैं, तो वो कई सालों से, जी नहीं मेरे नेबर ही, हाँ वो अंदर ही रहते हैं, वो कई सालों से हम लोग को इरिटेट कर रहे हैं, और इतना दबदबा उनका है कि जब देखो अमीन पटेल, अमीन पटेल, अमीन पटेल, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरी पुलिस में इतनी पहचान है, पुलिस वाले मेरी सुनते हैं, मेरी पे मेरी बात पे वो चलेगी, बहुत वो हम लोग को डरा डरा के रखा है। लेकिन अब जो है ना पानी सर से ऊपर हो गया, आज जो क्या हुआ है, मेरे बेटे से करीबन एक महीने से बाइक को लेके जिकजिक हो रही थी, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का इसने जगह घेर लिया अपनी दुकान की, और उसके बाद भी बाइक की जगह पे भी है जहाँ एकदम मुख्तसर सी जगह है, जरी सी जगह है, वहाँ पे भी कुछ लोग बाइक लगाते तो वो भी कब्ज़ा करने के चक्कर में बहुत कब्ज़ा कर रहा है, गरीबों को वहाँ पे खड़ा करके फ्रूट्स वगैरह बिकवाता है और उससे भी चार्ज करता है लोगों से अपनी दुकान के आगे, वो करे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो जगह है बाइक लगाने की वो हमको मिलती नहीं है, इस पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग को डरा डरा के रख रहा है। अमीन पटेल है, अमीन पटेल में, अमीन पटेल को मैंने कॉल करी, अमीन पटेल भाई को, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं वो शायद नमाज़ में हो या क्या हो, लेकिन उनका भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मैं इस पे आके मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कार्रवाई करिए, ये आदमी बहुत परेशान करके रखा है। बाद में क्या कैसे लफड़ा, वो बाइक उन लोग ने तोड़े आके मेरे लड़के का पूरा एकदम कछुंबर बना दिए, गिरा दिए, वो गिरी पड़ी है अभी भी बाइक, देखो आप गिरी हुई है नीचे, और एक एक ग्लास तोड़े उसका हैमर लेके, तो इस पे और उसके बाप की भी कोई अलग गलत नीयत है, बहुत गंदी नीयत का आदमी है वो, मेरे पे भी कितने बार गंदी नीयत मारा है उसने, मैंने बहुत बार इग्नोर करी, मैंने कुछ नहीं बोली उसको, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है, वो सबको दबाता था, आज पानी सर से ऊपर हो गया, सभी खिलाफ है, देखो ये भी आके खिलाफिया बात कर रहे हैं, कितने हैं यहाँ पे देखो आप, अभी ये बाइक जो मेरी इतनी नुकसान हुई इसका कौन भरपाई करेगा, इतनी इतनी मेहनत से मेरे लड़के ने पूरा किया था, ये गुंडागर्दी है कि नहीं आप बताओ, ये गुंडागर्दी है कि नहीं है, कोई बाइक नहीं लगा सकता, ये गुंडागर्दी है कि नहीं है। सर ऐसा तो हर जगह पर हर गलियों में देखने को आ रहा है कि रमज़ान के टाइम पे वहाँ पर फ्रूट लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ पर बेच रहे हैं, ये तो हर एक गली का मसला है। जी देखो ऐसा है ना कि ये जो गली है ना पूरी, ये आधी गली से ज़्यादा है ना इसने पूरी खरीद लिया है, चाहिए ना आप किसी से भी पूछवा लो कि ये आदमी कितना अपने को कितना टॉर्चर करता है, कितनी बातें ये निकालता है और सबसे लड़ता है, आए दिन कभी ना कभी किसी से झगड़ा होता ही रहता है इसका, इसी मारे जगह नहीं है, जगह नहीं हो रही लोगों को, बाइक लगाने की जगह नहीं हो रही, किधर जाके बंदा बाइक लगाएगा आप बताइए मुझे। जी आप दोनों में लफड़े हुए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को मारे हैं, अभी आपके बच्चे को और आपके हस्बैंड को कितना लगा? मेरे हस्बैंड का ASD का ऑपरेशन हुआ है, उनके हार्ट के अंदर बटन बैठाया हुआ है, वहीं पे इन लोग ने घुसा मारे है, जब बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ है ना तब बच्चों ने इन लोग पे हाथ उठाया है, क्योंकि कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बाप के ऊपर कोई हाथ उठाए। मैं बोल रही हूँ कि ये मजीद भाई का ना कुछ जरूरत से ज़्यादा ये गली में हो गए लाए, हम लोग को ये गली में ना बच्चे लोगों को खेलने कूदने देता है, यहाँ हम लोग का बच्चे लोगों को बाइक रखने का जगह नहीं है इधर, यहाँ सब फ्रूट वाले लोग साफ्ता लेके ये सब फ्रूट वाले लोगों को जगह देके बैठे लाए, इधर किसी को बाइक लगाने नहीं था, और बाइक का कुछ बोलने जाए तो ये मारामारी हर किसी से मारामारी करता है। कहाँ रहते हो? मैं सामने ये रहती पतरा चौल में,
और ये ना हमेशा ना अमीन भाई के नाम पे ना नाचते रहता है। यही मसला है सब, ये फ्रूट वाले पूरे भरे रहते हैं ना, कोई बच्चा बाइक लगा सकता है, बाइक के वजह से मेरा खुद इतना लफड़ा हुआ है। ये तो एक आम प्रॉब्लम है, हर गलियों का प्रॉब्लम है, रमजान के टाइम पे हर जगह का प्रॉब्लम। लफड़े वगैरह करेगा हमेशा रमजान में तो बहुत, मारामारी नहीं करना चाहिए, लफड़े नहीं, आपस में समझ के लेना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं है उनमें, हर वक्त है ना झगड़ा होते रहता है हमारे गली में, ये नहीं होना चाहिए। झगड़ा क्यों होएगा गली में, अगर आपस में मिलके रहेंगे तो लोगों को समझ में नहीं है। बच्चे की भी खड़े नहीं हो सकते इधर आके, चलो चलो जाओ जाओ इधर से, पूरा मैं बात कर सकती। और एक बात तो आप लोग से बता, आपसे बताना है कि इसको औरत लोग की इज्जत करनी आती नहीं है, इतना बेकार आदमी है, तो कभी कभी तो दिल होता है कि चप्पल निकाल के इसके मुंह पे मारूं मैं, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है आदमी को। मेहरबानी करके आदमी का कुछ करो, वरना एक दिन कभी हम लोग कुछ अगर लेडीज़ लोग मिलकर अगर कुछ ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, वो आप लोग जाने। देखो सामने गली में, हाँ हाँ एक मिनट, सामने रहते हम लोग, हमारे जो बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ खड़े रहेंगे बच्चे, वो बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे, बच्चे खड़े नहीं रह सकते, कोई स्कूटर नहीं लगा सकता, वो बच्चों लोग को माँ बहन नहीं करेगा, अमीर पटेल का धमकी देगा, ये क्या हो सकता है गली में, हम गली छोड़ के चले जाए क्या, हमारे बच्चों लोग को कभी मारेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा, आप होएगा खिल्ला मार के रखते हम लोग इधर बैठे के करके, ये आप लोग लगाए आगे करेंगे इससे कुछ होगा, फायदा होने वाला है 100% होने वाला है। हम लोग ने रिपोर्ट में डाले, पुलिस चौकी में गए, बीएमसी में गए, हर जगह पेपर डाले, हर जगह पेपर डाले रहे, कुछ फ़ायदा नहीं, आएगी तोड़ेगी, आने से पहले लोग का रिपोर्ट आ जाता है। 100 डोंगरी रोड नंबर, जेल नंबर रोड नंबर वार्ड में कितने बार आके गए, आने से पहले पुलिस को पहले लोग को खबर आती है, पहले उठा लेके चले जाते हैं, फायदा क्या है, मतलब क्या चाहते हो आपके बाजार रहवे नहीं, बाजार फायदा क्या है, 40-75% रोड चला गया है। नहीं, मेरे बोलने का मतलब है आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पर ये दुकानें जो है पुलिस इन्फॉर्मेशन, एक मिनट मेरा सवाल, एक मिनट मेरा सवाल तो हम, तो सर हम आपस में उज्जत नहीं कर रहे ना, एक बात कर रहे हैं, एक एरिया की समस्या है, ये बाजार में मैं भी रहता हूँ, यहाँ पर हज़ारों दुकान है, यहाँ से लेके मीनारा मस्जिद बोलो, पायदुनी बोलो, ये लफड़ा हुआ एक अलग बात है, मगर आप जो बोल रहे हो कि बीएमसी आती है तोड़ देती है, बीएमसी को मालूम नहीं आती है, हम लोग को, हम लोग का एरिया साफ मांगता, हमारा एरिया साफ चाहिए, आप कुछ भी करो, हम लोग का गाड़ी पार्किंग करके तो फिर हर बिल्डिंग वाला बोलेगा, तो दुकानदार जो इतने सालों से लग रही है वो कहाँ जाए। अभी आप देखो दुकान वाले के सामने लगाया, सुबह में दुकान वाले का गिराएगा तो उसको गिरा की तकलीफ नहीं रहती है, शाम में क्यों तकलीफ होती है, दुकानदार को कहीं ना कहीं रेसिडेंस का ध्यान रखना चाहिए कि उनको तकलीफ नहीं हो, दुकान लगाने में मना नहीं है, मगर ये भाई जो कह रहे हैं कि सब दुकानें हट जाओ तो यहाँ पर ये पॉसिबल है ही नहीं, 75% तो रोड चला गया है जी, फिर फायदा 50% के ऊपर गया सर, 75 में आप फुटपाथ पे तो चल नहीं पाते, आपकी गली नहीं, आप चलो मेरे साथ मैं पूरा एरिया घुमाता, कहीं फुटपाथ पे आप 10 कदम से ज़्यादा नहीं चल पाओगे, तो ये मसला आपकी बिल्डिंग का नहीं, ये मसला सबका है, पूरे एरिया का है, डोंगरी नंबर रोड नंबर 1 का है, नहीं मैं बोल रहा हूँ पूरे डोंगरी 9 और डोंगरी 3 का है, मोहम्मदली रोड डोंगरी सबका ही मैटर है। फायदा क्या है, मेन जो मेन गाड़ी आती है, जो अच्छी खासी दुकान है, इसके लिए हम लोग को मार्केटिंग में पूरा ख़राब हो जाता है, पार्किंग नहीं करेगा, तो भाई भी कह रहे हैं वो थोड़ा गुस्से में कह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है दुकानदारों को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि अपनी जो बिल्डिंग में आस पास में जो लेडीज जाती है उनका एहतराम करें, उनको लिए आने जाने के लिए जगह दें, और कहीं ना कहीं थोड़ी पार्किंग का तो मसला कोई सॉल्व नहीं कर सकता, पार्किंग में लफड़े होते रहेंगे, और यहाँ पर जी बोलिए क्या, ये जो ये जगह है ना इधर की, उनको बोलो अपने स्पेस तक का लगाए, उसके बाद में हम लोग को खाली चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, और यहाँ पे जो भी लगा उससे लड़े नहीं, ये बाइक यही थी, यही से तोड़ा है इसने, हमेशा ये कहाँ लगती थी इधर, यही लाइन में अच्छा। इधर से क्यों तोड़ा इसने अच्छा। तो ये बोले यहाँ नहीं लगाने, गुंडा है एक नंबर का हाँ। ये क्या करता है, धास दिखाता है, बोलता है पुलिस वाले मेरे से, मैं उन लोग से नहीं डरता हूँ, दूसरी चीज ये बोलता है अमीन पटेल, तो जरा उन तक ये न्यूज पहुँचाना, एक मिनट, इतने दिनों से आप उनके पड़ोसी हो, एक सुनिए ना आप, थोड़ा सुनिए भी तो ना जरा, अभी सवाल उठा है ना, लोग देखेंगे तो सवाल भी करेंगे, आपने कभी अमीन पटेल को उसकी शिकायत की क्या? एक सेकंड, अमीन पटेल तक हम लोग इसलिए नहीं गए, हम लोग बोले चलो जाने दो, हर जगह होता है कुछ ना कुछ हाँ, लेकिन यहाँ पे एकता नहीं है एक्चुअली, एक होता कि अमीन पटेल को शिकायत की, अमीन पटेल भी कुछ नहीं कर सकते तो हम सवाल कर सकते हैं, यूनिटी होगी तो स्ट्रेंथ होगा, बट यहाँ यूनिटी नहीं है। अभी देखो ये लोग वहाँ से आए, अगर सभी लोग निकल के आएंगे ना तो इसके छक्के छुड़ा सकती हूँ मैं, समझ में आए आप, बट कोई आ नहीं सकता है, लेकिन अब मैं खड़ी होंगी, अब मैं करूंगी जी।
अच्छा कितना बच्चे लोग की क्या रिपोर्ट है, क्या ज्यादा माल लगा है, क्या लगा है? बच्चे मेरे हस्बैंड का जो हार्ट जिधर पे उनके बटन बैठा है ना वहाँ पे फाइट हुई है, ईसीजी और स्कैन हो रहा है उनका, और लड़के के स्क्रैच आया है पूरा यहाँ पे और हर जगह एक स्क्रैचेस आए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी उनसे बात करूंगा। बात लेकिन ये बाइक का क्या होगा आप बताओ, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? अभी केस तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन इसका क्या होगा, ये जो नुकसान हुआ उसका क्या होगा? तो अभी एक काम करो, ये जो जो चार पांच सवाल आपने किए, भाई ने किए, ये आप लोग जाइए आमदार के वहाँ पर जाके बैठ के बात करिए। ये गुंडागर्दी है कि नहीं? आपने वीडियो, आप लोग ने वीडियो दिखाया ना, आपको वीडियो में बाकायदा लेके वो हैमर लेके तोड़ रहा है, ये गुंडागर्दी है कि नहीं? खुल्लम खुल्ला चैलेंज के साथ पूरी पब्लिक चलेगा, वो चलेगा आप देख लेना। दोस्तों मजीद मेमन जिनकी डोंगरी मार्केट में दुकान है, आज लफड़ा हुआ, बाइक तोड़ते हुए इनका, हथौड़ी से बाइक तोड़ते हुए इनका, इनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। औरतों ने शिकायत की कि मजीद मेमन जो है वहाँ पर जो है दादागिरी कर रहे, लफड़े हुए, बाइक पर लगाने देते। बात करते हैं मजीद मेमन जी से जो डोंगरी पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। जी मजीद भाई क्या मसला था? भाई देखो मैं रोजे में था, 5:30-6 मैंने घर पर, मेरा घर के जाने के रास्ते में उसकी बाइक थी। मैं बोला भाई उसके घर पे आ गया, उसके अब्बा को बोला बाइक देखो मेरे को पैर में बहुत जोर से लगी है, तुम जरा उसको हटा लेने को बोलो। बाद में रोजा क्या लगी थी बाइक उसकी, वो सुपर बाइक चलाते रहता है वो 18 साल से भी नीचे, मगर भाई वो, मैं बोला ये आड़े तेड़े बात करेगा, तो मैं जाके बोला उसके बाप को कि भाई जरा देखो, तो उसके बाप का काम है ना कि भाई हटा ले। अभी बाद लोग बोलते मजीद भाई दादागिरी करते, मजीद भाई सोशल वर्किंग में तो इतने हार्ड है, आप मेरा फेसबुक उठा के देख लो, हम तो लोगों की नौकरी करते, लोगों की दुआएं लेते। परसों के दिन ही दो लेडीज लड़ रही थी, मैं खुद अंदर जाके बचा के दोनों को अलग करके भेज दिया घर पे। अभी सामने वाली औरतों ने भी मुझे बताया कि मजीद मेहमान का आतंक है उधर, आजू बाजू वाले लोग बता रहे कि बहुत आतंक करता है, अमीन पटेल के नाम पे जो है हम लोग को आतंक बना के रखा है। अमीन पटेल सर है ना, मैं उसकी नौकरी करता हूँ, मैं उसका नौकर हूँ। और दूसरी बात है, आप जैसे मीडिया में आपका नंबर वन में गली न्यूज़ वैसा है, मगर मैं अंगूठा छाप हूँ, मेरा बहुत चलता है। और लोगों को क्या है क्या मालूम नहीं, वो लोग सब मेरे पास काम कर रहे हैं, आज बिल्डिंग का भी काम। लफड़े कहाँ से हुए? आप हथौड़ी लेके बाइक तोड़ रहे हो, वो वीडियो बहुत खतरनाक है, उसमें जितनी शान से अभी आप बात कर रहे हो। एक आदमी रोजे में रहेगा, मेरे को बात बताओ, उसको इतना फोड़ देगा, मैं आपको भेजा भेज रहा हूँ, ये देखो ये फोड़ दिया मेरा बच्चे ने, मेरे सामने कल पैदा हुआ बच्चा है मेरा बच्चा, मैं किसी को बोलेगा तो मैं उसको दो लाफा मार के बिठाऊंगा ना, क्या बोलूँगा जा मार, बाप बीच में खड़े रहकर मार रहा है। और ये और उसका ये बाप का भी तो धंधा ही है, 2 साल पहले भी एक दिन से फाइल में करवा के 2 लाख रुपया मांग रहा है, तो लोग का तो धंधा है भाई। वो हार्ट अटैक तो आरोप तो लगता है आप पे भी लगा है कि आप है ना हफ्ता लेके सबको गाड़ी लगाने देते हो, ये सब तो लगते रहते हैं। बात करते हैं इसी हफ्ता लूँगा तो ऐसी हालत में रहूँगा क्या? आज मेरे पास ये चप्पल देखो मेरी, नहीं नहीं ये बताने का तर्क, मैं हफ्ता लेता हूँ आदमी कैसा रहेगा बताने का तर्क नहीं है। जो जोश जो गुस्सा आप में दिख रहा है कि आप हथौड़ी से लेके आप और आपका बेटा हथौड़ी से लेके गाड़ी तो किसी को मारूं तो इतना जुनून, इतना किसी को मारूं, इतना गुस्सा मजीद किसी को मैं मारूं, बेटर है मैं मार है वो गाड़ी पे तो गुस्सा उतार दूं ना मैं। आप सोचो आप मेरी जगह पे तो क्या करोगे? तो अभी तो आप रिपोर्ट लिखाने आ गए हमारा, रिपोर्ट तो मेरे को इतना मारा, मैं खून की रिपोर्ट तो लिखाना पड़ेगा ना भाई। ये देखो ये कैसा है, देखो कैसे मारा है ये घर पे तो चोपर ला के बड़े लड़के ने मारा है मेरे, चोपर ला के मारा, हाँ चोपर ला के जो मिस्त्री का था चोपर ला के मारा है। वापस मैं पकड़ भी रहा हूँ कि भाई मत कर। और अभी वो जब ऐसी बात आ रही है और हर जगह ऐसा ही होता है भाई। और आजकल क्या है भाई, दुकानों में धंधे नहीं है तो हम लोग रोड पर उतर के धंधा कर लेते हैं। आज दुकान हम लोग के 2-3 दिन रह जाके धंधे नहीं है, हम लोग रोड पर लगा तो ग्राहक क्या सोचता, बहुत सस्ता मिलता करके हम, तो ये कोई नहीं है कुछ। और हमारी एक करोड़ की दुकान है, उसके सामने हम लोग धंधा लगा के अगर कोई गरीब आदमी को बिठाओ और हक कला हरा मरा और रमजान महीने को बोल दे ना मजीद भाई को 100 रुपये देते तो मैं मान जाऊँगा, कोई बोल दे ना। साथों साथ आपको आप क्या जो लोग भी दुकान के सामने धंधा लगाने देते हैं, कोई पैसे लेता है कोई नहीं लेता है, पैसे क्यों लेगा मेरे को अल्लाह ने बोझ ना जाए। तो कम से कम जो फैमिली जो बिल्डिंग्स में रहती है जो जहाँ पर ऊपर औरतों का आना जाना उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। अरे औरतें तो मेरे से ध्यान देती है, अभी आज ये ने मैं 15 दिन के बाद आपको बुलाऊंगा कि मैं क्या हूँ बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग का काम नहीं होता। अभी भाई अमीन पटेल का नाम, अमीन पटेल साहब ने इतना कॉपरेट किया उन लोग बिल्डिंग के बनाने के लिए, बिगर ऑर्डर से कॉन्ट्रेक्टर को बोला भाई काम कर डालो, मजीद 1.5 करोड़ का काम था हम लोग को 25 लाख में करवा के दिए, किसका फ़ायदा है, बिल्डिंग का ही फ़ायदा है मेरे भाई। मजीद भाई ऐसा आदमी नहीं है कि झगड़ा करेगा, मगर मजीद भाई की बहू के पीछे तुम बकरे भगाएंगे और मजीद भाई बोलने आएगा तो तुम दुश्मन लेगा। अरे उसकी बिल्लियाँ हक के आती है नमाज पढ़ने का, हम लोग बोले भाई पैर धोने का, उसका भाई वहाँ से दादे को बुलाया बोले हम लोग डरते नहीं, तो मैंने क्या बोला भाई आप डरो मत करो, मैंने सीसी कैमरा लगा दिया,
आज तो ये जो जो सब हुआ है सीसीटीवी कैमरे में आ गया अभी, और सीसी कैमरे का अभी तुमको मैं बात में बताऊंगा, अभी मेरे को डिक्लेयर नहीं करने का, क्योंकि सीसी कैमरे में इंशाल्लाह सब मिलेगा आपको। मगर बात क्या है, जो बिल्ली हकती आप सोचो, और पानी नहीं डाले, और मेरे हमारी बिल्ली चाली में एक ही बिल्ली है, बकरे बकरे रात को 12-12 तो तुम्हें तो जोश में आ गया कि तू बाइक तोड़ना चालू कर, आपको मारेगा तो आपको मारे कितनी जोर से, खून कितना था चाली मारे कितनी जोर से, ताके है बाबू सर पे, क्या हुआ था? मैं तो था नहीं, मैं नमाज़ पढ़ने गया था, नमाज़ पढ़ के आया, बोला चाली में क्यों इतनी मचमच है, मेरे को लगा माड़ा का काम चल रहा है, तो उसके लिए सब लड़ते हुए गए कि भाई हमारा हुआ तीन माला हम लोग का काम चालू है। मैं चाली में गया, देखा तो ये लोग अब्बा को मार रहे, तो मैंने पहले इनके छोटे लड़के को छुड़ाया, बोला क्या हुआ बेटा क्या हुआ, मेरे को पहले बता तो क्या हुआ, तो वापस मारने चले गया, फिर इसके अब्बा को छुड़ाया, बोला क्या हुआ अंकल क्या हुआ, हुआ क्या है, तो बोले कोई जवाब नहीं दे रहे, फिर उसका छोटा लड़का बड़े लड़के मिल के मेरे को मारने लग गए, और उसके अब्बा एकदम कैसा बीच में आ रहे कि जैसे कि मेरे को मारो तो मैं गले पड़ू, बोले ऐसा बाकायदा ऐसा बीच में आ रहा है। आप सोशल वर्कर हो, आप अमीन पटेल के साथ रहते हो, आप बता कि आपने बहुत काम किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग थोड़ा सा शांत रखना चाहिए, थोड़ा सा जो वीडियो में दिख रहा है जो गाड़ी तोड़ना है, तब तो आपको मारे नहीं, उस टाइम तो खून नहीं निकला आपके उसमें, किधर क्या जब आप वीडियो मारे ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको वो मारने के बाद आपने तोड़ा है? नहीं, पहले मेरे को मार दिए सब लोग, अंदर घर के अंदर चले गए, तो मेरा गए चले गए तो अच्छी बात है, मैंने क्या किया फिर बाहर निकल गए, ले भाई तेरी बाइक का है ना, तेरे मेरे को मारा, मैं तेरी बाइक क्या ले, अमीन भाई का लेना देना, अमीन भाई तो यार अलग टाइप के आदमी है, सब बोल रहे ना वहाँ पर, अभी आप वीडियो देखोगे ना तो सब यही बोल रहे हैं कि अमीन भाई के नाम पीट हो गई ना, तो सब बोलेंगे ना भाई, फिर मारपीट करके ये लोग क्या किए मालूम है, चाली वाले सब ना इन लोगों को घर में घुसा दिए, तो अभी हम लोग को गुस्सा आया, तो हम लोग क्या करें, बोले ये गाड़ी की, मैं अब्बा बोला ये गाड़ी की वजह से हुआ ना, ये गाड़ी तोड़ दो ना, क्यों लोगों को बिचारे को ये करने का तोड़ डालने का, और चाली का भी अभी क्रॉस लो ना एंट्री लिया सब वहाँ पर लोग सामने लेके तो मजा, देखो मेरे हम लोग क्या दिन भर के लिए अवेलेबल नहीं है, मैंने तुम्हारा भी ले लिया उनका भी ले लिया, डॉक्टर है डॉक्टर है ऐसा वाले नहीं थे। आप बोले ना क्या वाले नहीं थे। सुनो ना वो सामने पत्राचार वाले थे, वो तो लोगों तो चाली भाई एक आदमी मेन नेता करने वाला कार्यकर्ता रहता है, और ये तो आपके पड़ोसी थे जिसे मारा मारी हुई, हाँ पड़ोसी क्या, मैंने 6 महीने से उससे बात बन गई थी, मेरी बहू के पीछे बकरा भगाया ना, तो मैंने बात से बन गई थी, मगर मैं उसके घर में बच्चे आते ना बड़े बड़े मारे, वो चड्डा पहन के खाली बड़ा लड़का घूमते रहता है, मैंने 10 टाइम बोला पानी भी चाली में डालेगा, कभी भी मैं कभी बोला नहीं, आप ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग वाले और बोलेंगे, हाँ सब बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग अभी बुला, वो असलम भाई इधर आओ, आए ना अभी रेडी है, बकरे की कितनी उनकी टाके की कितनी तकलीफ है, टाके क्यों रखे पूछो, ये है ना हमारे पड़ोसी, यही आदमी है ना, अभी 10 लाऊंगा मैं बिल्डिंग वाले को, ये हमारे पड़ोसी है भाई, तुम्हारी टाकी के लिए कितना झगड़ा किया, क्या किया तुमने, क्या बकरे का कितनी तकलीफ है, ये आदमी भाई यार अभी ये इंटरव्यू है ना, वही क्या है बकरे के खिलाफ दिए, अभी मैं इनके खिलाफ नहीं, मैं बोला पूरे बाजार के खिलाफ किया मैंने, अच्छा बाजार के खिलाफ मैं लेता हूँ, मैं बोला पूरे बाजार में रोड नंबर 1 का लाइन का पूरा उठाने जी, बोलिए ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लोगों से इंटरव्यू, आप वही बिल्डिंग में रहते हो, मैं इनके बाजू में उनके भी सामने ही रहता हूं, क्या क्या है क्या फड्डा क्या है दोनों का आपस में, पार्किंग नहीं, चाली में लफड़ा है, चाली का लफड़ा नहीं था, आप मत बोलो चाली का लफड़ा है, एक मिनट अरे आप दबा रहे हो, नहीं जो है वो बोले, जो है बोलो, तुम्हारे पर जुल्म हुआ कि नहीं टाकी के बारे में, अच्छा अमीन भाई के नाम ऐसा नहीं करता, ऐसे नहीं मजीद भाई, मैं हाय लेता हूँ मजीद भाई, ऐसा नहीं, किसी गाड़ी को मारते हो तुम बोलोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ये पूछ अभी आपने बोला ना, मैंने लिया ना, तुम्हारे अल्फाज इनके मुंह में मत डालो, अभी बात किस बात पे आप ले रहे हैं, बात इस बात पे नहीं ले रहे हैं कि मजीद भाई बोल रहे हैं उन लोग है ऐसे ही ऐसा है वैसा है, तो पार्किंग का हिसाब ही वो बाजार के 21 रोड नंबर 1 का ही लफड़ा, अभी आज जो आज तो आपके वही मैटर है, नहीं तो किसी गलती लग रही है, चलो आप बता दो, पार्क गलत पार्किंग करेगा या कोई भी आया नहीं, मजीद भाई खराब बोलते हैं, मजीद भाई खराब है क्या, अरे यार भाई रुको ना यार, नहीं एक मिनट यहाँ यहाँ भाई, मैं तुम्हारे क्लेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू लेने नहीं आया भाई, यहाँ लफड़े हो गए इसलिए आया हूँ, लफड़े मजीद भाई खराब है क्या, तुम्हारा आधी रात को खड़े रहता हूँ, मजीद भाई हर काम में खड़े रहते हैं, टेंशन नहीं, मेरा आज गलती की, आज गलती मैं भी नहीं था भाई उस टाइम पे, मैं तो अभी आके देखा हूँ, खाली देखा आपके, मैं बोला पार्किंग का लफड़ा ही है जो है लफड़ा, पार्किंग हर गली में होता है सलीम भाई, हर गली में, मजीद भाई अभी क्या होगा कि आपका नहीं, अभी वो छोड़ दो, अभी यहाँ क्लेरिफिकेशन के लिए नहीं रहते, फोटो में वो तो वहाँ पे भी आया भाई, नहीं अभी कैसा है ना कि पुलिस स्टेशन में आ गए, FIR बनेगी उन लोग पे, बनेगी आप लोग ने मारे उन पे बनेगी, दोनों तरफ से बनती है, बच्चे यहीं है, अगर हो सके मेरा एक मशवरा, रमजान का टाइम है, अगर हो सके मशवरा
मशवरा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं बोल के खत्म कर दूंगा। मैं नहीं सुनूंगा, मैं ना ही, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया, बच्चे की फरियाद लेके उसके बाप की, नहीं मेरी पहली बात सुननी पड़ेगी आपको, फिर आप ये नहीं कर रहा, ये आपके फिर मेरे को इंटरव्यू देके कुछ फायदा ही हो। मैं क्या बोलता हूँ, आप मेरा बच्चा मस्ती करता है, अगर आप मेरे पास आए तो मेरा क्या काम है बच्चे को दो लाफा मार के शांत के बैठकर बिठा देंगे। तुम क्या बोलते हो, इसमें इंसानियत है कि ये तो इंसानियत है, मैं हमारा भी लड़का है, वो उसके बाप, मैं लड़ नहीं सकता था उसके बेटे, उसके बाप को रमजान में ना उसको पूछो, सब चीज हो गया कि भाई तुम्हारा बेटा है, अब मेरे को क्या, अगर मेरे को इतना बड़ा गुंडा मानते हैं, इतना बड़ा वो बोलते हैं, तो मैं सही बात है, आपकी बात भी सही है, उनकी बात उन्होंने भी बात की, मसला ना पड़े, ऐसा मारते और एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार मारते क्या, ये तीन तीन बार चढ़ा गया है, ऐसा मारते है, चौकी का इंसाफ नहीं करेगी कि दूसरी बार, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, करेगी मैं ये बताना चाहता हूं, चलो मेरे से झगड़ा कर लिए ये लोग, ये वन साइड कर लिए सब कुछ लिए, मैं कल सुबह लोगों को मालूम पड़ेगा झगड़ा नहीं करना चाहिए, और एक बाप बाप के पास गया तो बाप का काम क्या है कि बेटे को दो लाफे मार के बिठा देंगे, सही होना चाहिए, बाकी मैं इंसाफ नहीं। अभी ये हो गया, अभी मैंने आपको एक अच्छा सा मशवरा दे रहा था कि दोनों तरफ FIR होगी, होगी तो दोनों तरफ ही, क्योंकि उन लोग भी गए हुए हैं, सुनने में आया कि उसको मारे उसको मारे, दोनों तरफ ही होगी, आपके बच्चे का भी नाम आएगा, उसके बच्चे का भी नाम आएगा, अगर हो सके तो कोई गुंजाइश देखना रमजान के महीने में, एक दूसरे को माफ़ कर लेना, मेरे को वहीं बुलाना, दोनों खड़े रहेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर अपन सेटलमेंट का वीडियो चलाएंगे, सलीम शेख गली।